हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आप किस तरह से मदरबोर्ड में हीट प्रोसेसर फ़ैन को चेंज कर सकते हैं और किस तरह से आप नया हीट प्रोसेसर फ़ैन या हीट सिंक कैसे लगाएंगे मदरबोर्ड में, इसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं आपको। दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं, जब तक आप मदरबोर्ड को देखते हैं तो मदरबोर्ड में आप यहाँ पर देखते हैं अलग अलग शॉर्ट स्लॉट मिलते हैं। ये आपका ग्राफिक्स कार्ड है, यहाँ देख सकते हैं जैसे ग्राफिक्स कार्ड, ये हमारा हो गया हीट सिंक फ़ैन और ये हमारा हीट सिंक है। और इसके अंदर जैसे उसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रोसेसर, और दोस्तों ये हमारा रैम का स्लॉट होता है। तो हमारे जनरली हम आपको इस वीडियो में इस हीट प्रोसेसर फ़ैन और हीट सिंक को चेंज करना सिखाते हैं। दोस्तों यहाँ से देखते हैं, ये हमारा ग्राफिक्स कार्ड का स्लॉट है, यहाँ से हमने ग्राफिक्स कार्ड को रिमूव कर लिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका, दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ कॉपर का जो प्लेट है, ये आपका मदरबोर्ड का हीट सिंक है। नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं, रैम निकालेंगे, बता रहे हैं। दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पर रैम निकालने जा रहे हैं, रैम निकालने के लिए दो हमारे उसको पुश करना होगा और यहाँ से ईजिली जो है हमारी रैम जो होगी वो निकल जाएगी। इसी तरह से दोस्तों सेकेंड स्लॉट में आप देख सकते हैं और यहाँ से दोनों स्लॉट से हमारी जो है रैम वो निकल गई है। अब हम लोग दोस्तों देख सकते हैं हीट फैन को कैसे निकालेंगे। इसको आपको इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करना है, यहाँ से साइड से इसको ओपन करना है और इसको दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से ध्यान देखिएगा दोस्तों, और ये देख सकते हैं आसानी से निकल गया। तो क्लोजिंग व्यू में आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ये पर इस तरह से ये पिंस है, यहाँ पे प्रोसेसर को ओपन करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पिंस है। इसको आपको हल्का सा स्लाइड करना है बस और इस तरह से लॉक जो होगा वो ओपन हो जाएगा और ये आपका पिन प्रोसेसर जो होगा वो रिलीज़ हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रोसेसर को क्लीन करना होगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जैसे था ये लॉक होता है, ये इस लॉक की मदद से हम लोग प्रोसेसर को ओपन या क्लोज़ करेंगे। तो इसको दोस्तों क्लीन करने के लिए आप यहाँ पे सिंपल ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। इस ब्रश के माध्यम से आप यहाँ पे इसके सरफेस एरिया को जो भी मदरबोर्ड का हमारा है इसको ईजिली आप क्लीन कर पाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से आपको क्लीन करना है पहले। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं स्लॉटिंग देखनी है आपको किस तरह से बैठाया जा रहा है सेटिंग। यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप इस तरह भी दे सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों लॉकिंग पोजीशन जो है दोस्तों आपको सही से सेट करना होगा, क्योंकि अगर सही से सेट नहीं होगा तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रैम भी आपको लगानी है यहाँ पर। तो यहाँ पोजीशन देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से किस इसको लगा रहे हैं, हर चीज़ बहुत ध्यान से चेक करना होगा आपको। तो दोस्तों जो पुराना हमारा ये जो हीट सिंक फ़ैन है और प्रोसेस ये हमारा जो ख़राब हो गया था, इसमें आप दोस्तों दे सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों प्रोसेसर की क्लीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, पहले क्लीनिंग करेंगे तभी हम लोग नया हीट सिंक फ़ैन यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों क्लीन करने के लिए हम लोग यहाँ पर कॉटन का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से इससे भी आसानी से जो है वो क्लीन हो जाएगा। तो दोस्तों हीट प्रोसेसर लगाने के लिए सबसे पहले प्रोसेसर लगाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिम्बल्स का ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ अ कॉर्नर पॉइंट, और आपका जो प्रोसेसर होगा वहाँ पर भी आपको कॉर्नर पॉइंट दिखाई देगा। बस आपको उसी कॉर्नर पॉइंट से जैसे सिम का कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उस तरह से आपको यहाँ पर भी कॉर्नर पॉइंट सिंपल लगा देना है, इसकी पोजीशन बैठा देना और यहाँ पर आपको सिंपल ये लॉक लगा देना है। इस तरह से आपको ये प्रोसेसर जो है वो लग गया सिंपल। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर पोजिशन की कॉर्नर पॉइंट जो दोनों है वो सेट हो गए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे पास है थर्मल कंपाउंड, और ये थर्मल कंपाउंड जो दोस्तों यहाँ पर पहले हम प्रोसेसर के ऊपर लगाएंगे, उसके बाद जो है फर्दर आगे स्टेप करेंगे। दिस इज़ द आईसी सिस्टम इवन थर्मल कंपाउंड। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग प्रोसेसर के ऊपर थर्मल कंपाउंड जो है वो लगाने जा रहे हैं। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं पेस्ट का कलर दे सकते हैं किस तरह का कलर है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है थर्मल कंपाउंड। अब इसको हम लोग जो है वो सही से सेट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पे एक टैग मार्क मिलेगा, और इसको लगाने से पहले आपको इसको यहाँ से इस तरह से रिमूव करना होगा। इसको रिमूव करने के बाद ही आप इसको लगाइएगा। दोस्तों इसको आप सेट करना होगा, आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर लॉकिंग पोजिशन है, इसको आपको दोनों तरफ से इस तरह से लॉक करना होगा। दिस इज़ द लॉकिंग पोजिशन, और ये पूरा सेट जो है वो आपका यहाँ पर मदरबोर्ड में सेट हो जाएगा। ध्यान से यहाँ पे लॉक करना होगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉर्नर पे आपका एक
स्क्रू होगा, इसको आपको यहाँ से पहले ढीला करना है, क्योंकि अगर आप इसको लूज़ नहीं करेंगे तो ये जो है आपकी जो सेटअप है यहाँ पर ये लॉक नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको इसको जो लॉकिंग पोजीशन है इसको पहले आपको यहाँ से थोड़ा सा लूज़ करना होगा, और जब ये सेट हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ से इस तरह से ये लॉक फिट हो जाएगा। तो इस यहाँ पर ये जो आप यहाँ पर स्क्रू दे सकते हैं, ये स्क्रू को आपको पहले लूज़ करना है, लगाने के बाद फिर आपको इसको ये टाइट करना है। दोस्तों भूलिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये स्क्रू है इसको आपको पहले लूज़ करना है, उसके बाद जब आप यहाँ पर लॉक कर लेंगे एंड पर तो आप फिर इसको टाइट कर दीजिएगा। दोस्तों जब अभी लॉक हो जाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा अच्छी तरह से लग गया है, और यह देख सकते हैं कोई भी आपका यहाँ पर डिफ्लेक्शन नहीं है, अच्छी तरह से ये लग चुका है। और यहाँ पर लॉकिंग पोजीशन भी आप देख सकते हैं अच्छे से ये लॉक हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आप क्या देख सकते हैं जो केबल है, इसको केबल को आपको इस स्लॉट में रखना है। स्लॉट ध्यान रखिएगा दोस्तों किस स्लॉट में लगाया जा रहा है, ये रैम है आपकी, रैम का जो स्लॉट है यहाँ पर आपको यहाँ पर इसको लगाना है। यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, लिखा है ये CPU फ़ैन यहाँ पे लिखा होगा, और आपको सिंपल आपको इसी में आपको उसको लगाना है। कहाँ पर लगाना है दोस्तों? CPU फ़ैन में। रैम लगाने का तरीका दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये सॉकेट है, रैम लगाने के लिए आपको ये सॉकेट को अपने सॉकेट से मिलाना होगा बस, और सिंपल ये हो जाएगा, लॉक हो जाएगी। ध्यान रखिएगा सॉकेट सही होना चाहिए, हल्का सा प्रेस करेंगे रैम जो होगी लग जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड रैम लगाने का तरीका, बस यहाँ पर हल्का सा प्रेस करना है आपको, और एक साउंड आएगा और आपका जो है वो लग जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये फाइनली जो है ये सेटअप पूरा हो चुका है। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किस तरह से आप पहले रिमूव करेंगे आपका हीट सिंक और इसका फ़ैन, किस तरह से इसको रिमूव करेंगे और किस तरह से आप ये नया हीट सिंक प्रोसेसर फ़ैन जो है वो लगाएँगे, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर डिटेल्स में बताया।